हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमझिम भाग चार हिंदी के पाठ चार कविता मन के भोले भाले बादल नामक पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों आइए पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न एक, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? उत्तर, जब बादल अधिक बारिश करते हैं तो ज़्यादा पानी बरसने के कारण बादल नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। प्रश्न टू, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? उत्तर, बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है, ऐसा लगता है मानो बादल गरज गरज कर ढोल बजाते होंगे। प्रश्न थर्ड, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? उत्तर, बादल गरज कर बरस कर और बिजली चमका कर शैतानियां करते होंगे। फोर, बादल साल के किन किन महीनों में ज़्यादा छाते हैं? उत्तर, बादल जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा छाते हैं। फाइव, बादल किन किन रंगों के होते हैं? उत्तर, बादल काले भूरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। सिक्स, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? उत्तर, बारिश के साथ साथ तेज चलने वाली आंधी को तूफान कहते हैं, इसीलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। प्रश्न सेवन, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? बच्चों इसका उत्तर, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं और कुछ भूरे सफेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। देखिए बच्चों, काले काले डरावने बादल का चित्र है, इसे आप लोग बनाइए। गुब्बारे से गारों वाले बादल, ध्यानपूर्वक चित्र को देखें। हल्के फुलके सुहाने बादल, बारिश की आवाजें, बारिश की बच्चों आवाजें, बारिश की आवाज कैसी होती है? टप टप टप, टिप टिप टिप, रिम झिम, इस प्रकार से जब वर्षा होती है तो उसकी आवाजें आती हैं। चट चट चट, तड़ तड़ तड़, छर छर छर, ये बच्चों जब तेज आवाज से बारिश होती, खूब तेज बारिश होती है, तब इस प्रकार की आवाजें आती हैं, जिन्हें जोर की बारिश कहते हैं। कैसे कैसे पेड़, कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई बांस के पेड़ सा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो बच्चों इस प्रकार से बादल पेड़ कई प्रकार के होते हैं। बच्चों अगला शीर्षक है अति लघुत्तरीय प्रश्न, आसमान में कौन दौड़ते हैं? इसका उत्तर होगा, आसमान में बादल दौड़ते हैं। सेकंड, बादलों के गाल कैसे लगते हैं? उत्तर, बादलों के गाल गुब्बारे जैसे लगते हैं। थर्ड, बादलों ने किसके समान पंख फैलाए हुए हैं या पंख लगाए हुए हैं? उत्तर, बादल परियों के समान पंख लगाए हुए हैं। फोर, बादलों के थैले में क्या है? बच्चों बादलों के थैले में पानी है या पानी होता है।
5. बादल किसके जैसे पेट फुलाए हुए हैं? उत्तर, बादल जोकर के जैसे पेट फुलाए हुए हैं। 6. यदि बादल बहुत अधिक जल बरसाएं तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है, यदि बादल बहुत अधिक जल बरसाएं तो बाढ़ आ जाएगी। बच्चों आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।